अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैट 630 के जीटीपी का एक्जैक्ट 100% परफेक्ट सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पैराग्राफ क्या था और इसका देखा था हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। सो मैं बता चुका हूँ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, मुतगैर होते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम अगर इस तरह से समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से वर्ड की न्यू फाइल ओपन की है। सो हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि हमारे पास कोई भी वाई कुड एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की एग्जांपल ले लूँ, सो वाई इक्वल टू हमारे पास है एक्स केयर। अब यहाँ पे मैं x को वैल्यू देता हूँ x इक्वल टू 1, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। x को देता हूँ 2, y का आंसर आ जाएगा 4। मीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या हो गया, y एज अ फंक्शन ऑफ x हम लोगों ने लिखा है, y कुड ऑफ x भी कहते हैं। सो x को वैल्यू दे रहा हूँ, आंसर देर आ रहा है y में, तो y डिपेंड कर रहा है x पे। अगर x को वैल्यू दूंगा तो y में आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अब इस पैराग्राफ में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। जीटीपी को कॉपी करके, वर्ड से कॉपी करके आप लोग पेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हैं हमारे पास, एज, एजुकेशन, फैमिली साइज वगैरह। तो ये सारे हमारे पास कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने बताया था एज, सैलरी, हाइट वगैरह सारे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि एजुकेशन और सैलरी। सो एजुकेशन सैलरी जो डिपेंड करती है वो एजुकेशन पर डिपेंड करती है। सो ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट की एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको डेकोरेट करना जैसे भी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, मतलब ये डिपेंडेंट हैं एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम वगैरह पे, जो मैं अभी लिखने लगा हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, पैराग्राफ में अगर हम लोग आते हैं, इसी के ही आगे देखें इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है किस चीज़ पर पड़ा, बता चुका कंज्यूमर परचेज डिसीजन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, कि कंज्यूमर कैसे डिसीजन ले रहा है ऑर्गेनिक फूड को परचेज़ करने के लिए। इसे स्टूडेंट की या कंज्यूमर की एजुकेशन भी रिक्वायर है कि ऑर्गेनिक फूड के बारे में नॉलेज होगा, फैमिली साइज़ भी रिक्वायर है कितनी फूड उसको चाहिए कितनी क्वांटिटी में, और उसका स्टेटस भी रिक्वायर है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। डेकोरेट कर लीजिएगा आप लोग जैसे आप लोग करते हैं, तो थोड़ा तेज़ी में ही बता रहा हूँ तो इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक टाइटल भी दे दें इसको, टाइटल तो बहुत सारे बनते हैं, तो मैं कौन सा टाइटल दूं भाई इसको। मैंने कहा था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है कंज्यूमर चॉइस फॉर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट मुझे एक बेस्ट लगा है थोड़ा सा। टाइटल की हेडिंग दे लो आप लोग जैसे भी देनी है। तो ये हो गया हमारे पास इसका टाइटल। अब हाइपोथीसिस कैसे बनाने हैं, हाइपोथीसिस बनाने का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हाइपोथीसिस जो इन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग करते हैं, इसी पैराग्राफ में से ढूंढ देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने एक रिलेशन की लाइन पढ़ी थी, आई होप सो वहाँ यहाँ पे होगी। तो हाइपोथेसिस मैं बना देता हूँ, पैराग्राफ को रीड कर लिया। नंबर 1 बना देते हैं, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस
एंड फूड सेफ्टी प्रोडक्ट्स। सो इन वेरिएबल्स को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं हाइपोथेसिस और रिलेशन। हमारे पास रिलेशन ये भी तो है ना, देयर इज रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड परचेज डिसीजन, के कंज्यूमर को कितनी चाहिए परचेज करना चाहिए, परचेज करने से पहले डिसीजन लेगा वो ऑब्वियसली, और उसकी कितनी डिमांड उसको चाहिए फॉर ऑर्गेनिक फूड। सो इसको अपनी वर्डिंग में ही लिखिएगा, मैंने एक आइडिया दे दिया आप लोगों को। हाइपोथेसिस का जो ये है, आई होप सो पैराग्राफ में नहीं होगा ये, इनके सेहत तो ठीक है अदरवाइज तो। सो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, जस्ट सिंपल सा ही है, उसमें कोई है ही नहीं ज़्यादा डिफिकल्टी। सो अब GDB अपना ही लिखना आप लोग, कॉपी ना करना। सो आपको मैंने आइडिया दे दिया अच्छे से एग्जैक्ट, तो अब चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना। सो आइंदा भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। सो स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।